काम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। ये स्टाइल देख लो कट करने का, साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ भाई ने बिल्कुल, है ना, ये देख रहे हो। हाँ हाँ स्वाद है भाई। इंडियन पिज्जा भी आपके लिए। ओ मलाई, ये पराठा पंजाब में चला गया ना भाई, हाहाकार मच जाएगा वहाँ पे भाई। ऐसे पराठे सच में देखे भी नहीं है, खाना तो दूर की बात है। 250-300 ग्राम स्टफिंग है, और उसके बाद भी देख लो ये क्या पूड़ी बना दी है। क्या है ये, पहले मेरे को बताओ ये क्या है, ये कैसे खा लेते तुम लोग? ये एक पराठे की स्टफिंग है। ओ भाई साहब वो पूड़ी बना दी है। तो भाई आगरा ईटर्स के साथ हम आ चुके हैं भाई अपनी एक और जगह पे। यहाँ पर भी आपको हम पराठा दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे चूल्हे वाली रोटी भी मिलती है, सब्जियाँ भी मिलती है, और एक स्पेशल पराठा जो हम यहाँ पे आने वाले दिखाने वाले हैं एक्चुअली में, बट वो पराठा खाने लायक नहीं है। हाँ खाने लायक नहीं है, लेकिन आपको देख के मज़ा आ जाएगा। देख के शायद मज़ा आ जाएगा, बट अनहाइजीनिक है पहले ही बोल रहा हूँ। और नॉर्मल खाना खाओ यहाँ पे आके जो बाकी सब्जियों के साथ, बट ये वाला पराठा मत खाना, क्योंकि ये पराठा एक्चुअली में फूड ब्लॉगर के लिए बना। आ जाओ, क्या बात है भाई, भैया बना दो अपना फिर वो फेमस मलाई पराठा। कितने कितने तरीके के पराठे आपके पास? 108 प्रकार के, 11 प्रकार की चाय। चाय कौन सी होती है भाई? ये तो हमारे को एक ही चाय पता है, मसाला चाय या अदरक वाली। पहले गर्म पानी बनाते हैं 10 रुपए का। अच्छा चाय बनाते 20 रुपए की, मलाई वाली 30 रुपए की, मक्खन वाली 40 रुपए की, केसर वाली 60 रुपए की। ये गोभी आलू है, आलू गोभी। हाँ और ये वाली, ये है कड़ी मसूर की दाल। कड़ी मसूर की दाल, खड़े मसूर की दाल, खड़े मसूर की दाल। अच्छा जी, और ये वाली हो गई कड़ी हो गई। ये तो कड़ी नहीं है, फिर मट्ठा के आलू। कौन से? मट्ठा के आलू। मट्ठा के आलू, हाँ दही वाले। हाँ हाँ मट्ठा के आलू भाई। आगरा में ना सब्जियां भी आपको अलग अलग तरीके की मिलेगी। ये देखो भाई साहब चूल्हे पे रोटी बन रही है, माता जी बना रही है रोटी है। और जो रोटी भी मिलती है, पराठे भी मिलते हैं, सब्जियां दिखाता हूँ मैं आपको कि सब्जियां कौन कौन सी हैं। और लोग बैठ के अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है भैया, टेस्ट वाला पहली बार आए हो या आते रहते हो? तो टेस्ट सही लगा? प्राइस के हिसाब से सब बढ़िया? प्राइस पता ही नहीं अभी भैया। आपको सही लगा टेस्ट? पहली बार आए हो या आते रहते हो? आते रहते हो, क्या बात है। ये मट्ठे वाले आलू दोनों ने लिए हुए, ये ज़्यादा पॉपुलर लगता है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा पराठा एक्चुअली में यहाँ पे, कि आपने शायद ही कहीं देखा होगा। जी हाँ, तो वही बनवाने के लिए आया। ये देख लो भाई, ये मलाई पराठे की तैयारी हो रही है, और उसके अंदर भी आलू डल रहा है। अच्छा प्याज भी है, लहसुन भी है, अदरक भी है, टमाटर भी है, धनिया भी है, हरी मिर्च भी है भाई साहब। और इसके अंदर मलाई डलेगी खूब सारी। तो अब देखो भाई ये पराठा बनता कैसे, पहले आप ये देखो। एक पराठा जिसके लिए भी पराठा बनाया मैंने, हाँ 6 महीने में किसी ने पूरा नहीं खा पाया। एक बंदे ने 6 महीने में नहीं खा पाया कोई? किसी बंदे ने पूरा नहीं खा पाया पराठा बनवा, अकेले ने नहीं खा पाया पराठा। तो भैया आगरा के अम्मी नहीं खा सकते इतना, तो भाई हैवी पराठा है यहाँ पे। हाँ मतलब एक बंदे ने किसी ने नहीं खाया, कुल मिला के दो चार तो खा गए। हाँ दो जने हैं, चार जने हैं। ये देखो भाई ये प्याज आ गया है, हरी मिर्ची आ गई है। तो भाई देख रहा हूँ मैं कि इधर बाकी सब आइटम भी मिलते हैं, चूल्हे वाली रोटी भी बन रही है, बाकी सब्जी वगैरह भी सब कुछ पड़ा है। दूध ले लो, दही ले लो, छाछ ले लो, खीर ले लो, मक्खन ले लो, लस्सी ले लो, सब ले लो। तो भैया हम तो एक्चुअली में वो मलाई पराठा खाने आए हैं। खाना खजाना है, सीताराम की तरफ से चले आने। हाँ कितने साल पुराना ढाबा आपका? ढाबा ना तो 10 साल हुआ मुझे। 10 साल हो गए पराठे बनाते बनाते, 30 साल हो गए पापा जी पास बनाते थे। अच्छा 2008 में छोड़ा मैंने पल्ली दुकान पर। वाह मसाले भर के ला रहे 2008 में, ये देख रहे हो। हाँ हाँ स्वाद है भाई पराठे। मुझे 30 साल हो गए पराठे बनाते बनाते, बता दे रहा हूँ 25 साल से बन रहे ये। हाँ पराठे तो मतलब यहाँ पे पल्ली दुकान से यहाँ पे हटने वहाँ से हटने बाद में बनाए। हाँ अरे तुम्हें याद कर रहा था 2-3 दिन से भैया। तो ये देखो भाई सब तैयारी शुरू हो चुकी है पराठे बनने की, अब आप देखो कि कैसे बनेगा और स्टफिंग किस चीज़ की डलती रही है, अभी देखते रहना। टाइमिंग क्या होते भैया? 15-20 मिनट नहीं, कितने बजे ढाबा खुलता है? रात के 12 बजे तक चलता है। तो ये एक पराठे की स्टफिंग है भाई साहब। इतनी मलाई डलेगी इसमें? इतनी ही मलाई डलेगी। ये तो एक 6 महीने क्या बोलते, साल में भी नहीं खा पाएंगे। दिल्ली वाले नहीं खा सकते भाई इतना।
ये लो भाई साहब, ये एक पराठे की स्टफिंग थी। अच्छा, ये पराठे का प्राइस क्या है? पराठा 200 रुपए का, मलाई वाला। 200 रुपए भाई साहब, 200 रुपए में पिज्जा आ जाएगा? 200 रुपए का एक पराठा, पिज्जा खाना भूल जाएगा, पराठा खा लेगा तो मलाई का। सही बात है भाई, पिज्जा खाने का भी जाऊंगा। अच्छा जी, सही बात है भाई। ये देख लो भाई, थिकनेस देख लो और पराठे का साइज, और भाई साहब स्टफिंग आपने देख ही ली है। 200 रुपए का मलाई पराठा जिसके अंदर आलू वगैरह सब कुछ डाल रखा। साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ भाई ने बिल्कुल, है ना। ये देखो भाई, अब ये सिकेगा थोड़ा सा आगे पीछे से ताकि ये टूटे ना पहले। ये एक पराठे में डल रही है भाई, कितने ग्राम हो जाती होगी? ग्राम पीछे इसमें ग्राम नहीं लगते हैं। प्यार लगता है, जैसे ग्राम के ग्राम लगते। क्या बात है भाई साहब, ये एक पराठे में जा रही है। मन्नी मन्नी का तो फेवरेट है, मन्नी तो लस्सी में हमेशा मलाई लेता है। ये देखो, ये एक पराठे की है भाई, पक्का कसम से। अरे आपके सामने डाल रहा हूँ पराठा। अच्छा, इसी के अंदर प्याज भी डलेगा भी? क्या बात है भाई, एक ज्यादा नहीं तो एक पीस खा के देखना। आप का, चीज का, चॉकलेट का, फुल क्रीम का पराठा। ये मलाई के अंदर हरी मिर्च भी आ गई, प्याज भी आ गया, टमाटर भी आ गया, धनिया भी आ गया, सब ले लो। और ऐसा लग रहा है मेरे को भाई, तुम ऑमलेट बना रहे हो भाई। मलाई का पराठा भाई, बढ़िया स्टाइल तो ऑमलेट बनाने वाला। एक क्वार्टर मक्खन आ गया भाई, ये लो। पराठा सकेगा जब तक गलेगा। 200 रुपए का पराठा तो माल डालेंगे डालेंगे, है ना भाई? नहीं बिल्कुल बिल्कुल महाराज बिल्कुल, मैं कहता रहा हूँ आपको, पराठा खाने बाद में लगेगा नहीं, 200 रुपए ज़्यादा है, बंदा खुश होके जाता है भाई। ऐसे पराठा सच में देखे भी नहीं है, खाने तो दूर की बात है, खाने तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली वालों ने देखे भी नहीं होंगे ऐसे पराठे। बताते रहो 11 तरह की चाय और 111 तरह पराठे। ओ भाई साहब, वो पूड़ी बना दिए तो ये देख लो भाई, ये देख रहे, ये पूड़ी बन गई है तो इसके अंदर कम से कम भाई साहब 250-300 ग्राम स्टफिंग है, और उसके बाद भी देख लो ये क्या पूड़ी बना दी है, उतनी मलाई है और उतनी ही मलाई वगैरह डाल दी है। आप देखो कैसे डलेगी मलाई, ये देखो भाई, ये कटिंग शुरू हो गई है। इंडियन पिज्जा भी आपके लिए। ओ ये क्या हो गया भाई, देखो भाई सब मलाई थी, आप सब मलाई से कर लेंगे भाई, मलाई डल गई अंदर पूरी। अब आप सोच लो भाई इसका टेस्ट कैसा होगा, आलू प्याज टमाटर मलाई, इसे कट इसी पे करोगे? हाँ, इसी पे इंडियन पिज्जा बनेगा। अच्छा, ये देखो ये स्टाइल देख लो कट करने का, कोई छुरी नहीं है, कुछ नहीं है, जिस करछी से पराठा बनाया उसी करछी से इसके चार हिस्से कर देंगे, चार बोलो चार, छः बोलो छः, आठ बोलो आठ, ये बन गया इंडियन पिज्ज़ा। नहीं खाया जाएगा, है कोई बंदा जो खा सकता ही है? हाँ। मेरे से तो नहीं खाया जाएगा भाई, नहीं श्री राम जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। मलाई पराठा खाओ, मलाई के डेले खाओगे, पाजी डेले तो फिर ये। हाँ जी, क्या है ये, पहले मेरे को बताओ ये क्या है, ये कैसे खा लेते तुम लोग? यार पता नहीं, ये बहुत ही अजीब है, और ना एकदम जेन्युइन बात बताओ ना, भैया ने बहुत ही गंदे तरीके से बनाया है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए टेस्ट करके बताऊं। भाई मैं तो भाई मैं तो कभी नहीं खा सकता, और सच में बहुत सारे इसमें वेजीज डाले हैं, उसके साथ में बहुत सारे मतलब बहुत सारा इसमें मलाई डाला हुआ है, और आप देखिए भाई पर आलू मलाई का क्या कॉम्बिनेशन हुआ, आलू मलाई लहसुन हरी मिर्च पराठे के साथ बिल्कुल बिगाड़ दिया हालत भाई। सच में कह रहा हूँ, अगर ये पराठा पंजाब में चला गया ना भाई, हाहाकार मच जाएगा वहाँ पे। तो ये देखो मैंने ले लिया पराठे का एक बाइट, ले लिया मलाई के साथ चटनी, थोड़ा सा अचार। हाँ, अब मैं खा रही हूँ और आप लोगों के लिए खा रही हूँ। लो भाई, मैं तो टेस्ट भी नहीं कर सकता इसे, मतलब पराठे से मेरे को हेट हो गया आज के बाद। अब एक चीज मेरे को समझ नहीं आती कि ये बनाते क्यों है, ये बनाते हैं सिर्फ ना गाइस मतलब वीडियोस के लिए, इस पराठे का जो प्राइस है ना वो 200 रुपए, आप ही बताओ 200 रुपए में कौन ये मलाई पराठा खाने आएगा? नहीं खा सकता कोई भी, नहीं खा सकता कोई भी, नहीं आएगा खाने। तो भाई आप यहाँ पे आओ ढाबे पे,
और आप नॉर्मल फूड लो जो नॉर्मल फूड यहाँ मिलता है, ठीक है। बट प्लीज़ डोंट बाय दिस, डोंट प्रमोट दिस, डोंट बाय दिस। रिकमेंड नहीं करूँगी, ये आपको नहीं खाना चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो वगैरह लेनी हो तो आप आ सकते हो आगरा में। ना ही हम खाने वाले नहीं भाई, वीडियो खिलाने वाले, नाम खिलाने वाले। तो भाई एक बार हालत देख लो। ओए होए, ये आकांक्षा एक ही बार में खा लेगी। नहीं खा पाऊंगी। तो गाइज इसको करने देते हैं इंजॉय और हम चलते हैं बढ़िया सी कोई और वीडियो ढूंढने।